खबर राजधानी देहरादून के डोईवाला से है, जहां के सोंग नदी में खनन पट्टे की शुरुआत होते ही स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। और लोगों की नाराजगी का उद्देश्य बिना अनुमति के ट्रैक्टर कराकर मशीन से खनन चुगान का कार्य कराना है। बता दें कि नदियों में खनन चुगान की शुरुआत होने से मजदूरों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मशीनों से खनन चुगान होने की वजह से इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वही स्थानीय लोगों का कह रहा है कि खनन चुगान के लिए मशीनों की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन खनन लॉक मालिक मशीनों से काम करने की परमिशन का हवाला दे रहा है। वही इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने कहा कि प्रशासन को इस तरह की अनुमति की कोई जानकारी नहीं है, और अगर बिना अनुमति के ट्रैक्टर करा मशीनों से खनन किया जा रहा होगा तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। हमारा ये कहना है कि अगर पहली बात तो यह है कि अभी तक जो इनके ओनर हैं उन्होंने आगे यहाँ परमिशन नहीं दिखाई है, पहले वहाँ आए अपनी परमिशन दिखाएं और ये बैक करा जाए। जिस तरह से ये अवैध खनन नहीं बोलूँगा मैं इसे, इस समय जिस तरह से ये हो रहा है ये सही नहीं है। हजारों मजदूर जो आस लगाए बैठे थे कि कब ये सोंग नदी खुलेगी और वो लोग यहाँ से अपना जीवन यापन के लिए अपनी कमाई करेंगे, उन लोगों के पेट पे लात मारी जा रही है। और ये सारे ट्रैक्टर जो कि सरकार का नियम है कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर नदी के अंदर खनन नहीं कर सकता, ये सारे ट्रैक्टर एक तो बाहर के हैं और यूपी या हरिद्वार की तरफ से ट्रैक्टर यहाँ पे आए हुए हैं और सारे ट्रैक्टर ये एग्रीकल्चर है। ये काम नहीं खुल रहा, हमें ये दिया जा रहा कि अब खुलेगी और घर में मजदूर खाली पड़ा है, बिल्कुल कोई काम नहीं चल पा रहा है। अब चला तो इन्होंने ये लगा दिए करे, इससे क्या होगा, लेबर खाली घर में पड़ी रहेगी, वो बेचारे आस लगाए पड़े हैं कि हमारा काम चलेगा, नहीं चल रहा है। तो इस चीज के लिए हमें वो करा जाए कि हमें लेबर को काम भी दिया जाए यहाँ पर, ऐसे नहीं चलेगा, ये जैसे अवैध काम चल रहा है ये बंद होना चाहिए बस। हमारे पास अभी टायर माउंटेड मशीन की परमिशन है जेसीबी की, वो कितनी भी लगाएं पर वो उनका कोई एक रूल नया आया है उसके हिसाब से चल रही है। जो चेन माउंटेड की अभी परमिशन नहीं है, चेन माउंटेड के लिए हम लोगों ने आवेदन किया हुआ है। ये शिकायत मुझे प्राप्त हुई है कि इस प्रकार का कोई प्रकरण है, तो हम लोग अपनी टीम भेज के, खनन की टीम, प्रशासन की टीम जाके मौके पर चेक करेगी और अगर ये शिकायत सही पाई गई तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।